और खबरों की शुरुआत करेंगे एक दुखद खबर से, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का निधन हुआ है। गुरदास कामत का निधन हो गया। कामत ने दिल्ली के चाणक्यपुर स्थित प्राइमस अस्पताल में अंतिम सांस ली है। कामत ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे। वहीं नॉर्थ वेस्ट मुंबई से 2014 तक सांसद भी रहे। कामत को कांग्रेस ने गुजरात, राजस्थान, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव का प्रभार सौंपा था, लेकिन 2017 में कामत ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे के बाद भी पार्टी उन्हें महासचिव के रूप में मानती रही। उधर कामत के निधन पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी दुख जताया है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदास कामत, 63 वर्ष की उनकी उम्र रही, उनका आज निधन हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं कामत। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित प्राइमस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां कामत काफी समय से बीमार चल रहे थे। इसके चलते दिल्ली के प्राइमस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रह चुके हैं। साथ ही नॉर्थ वेस्ट मुंबई में 2014 तक वे सांसद भी रहे। कांग्रेस ने उन्हें गुजरात, राजस्थान, दादरा व नगर हवेली, दमन दीव का प्रभार सौंपा था। 2017 में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए, जहां वरिष्ठ नेता कांग्रेस के गुरदास कामत का निधन हुआ है। बता दें कि मनमोहन सरकार में वे मंत्री भी रह चुके हैं और लंबी बीमारी से वे टूट रहे थे। 63 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ, जहां कांग्रेस के तमाम नेता और उनके समर्थक भी उनके घर पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी इस क्षति पर दुख जताया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं कामत। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के प्राइमस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जहां कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता भी परिवार को सांत्वना इस वक्त दे रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी इस क्षति पर दुख जाहिर किया है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई से 2014 तक वे सांसद रहे। गुजरात, राजस्थान, दादरा व नगर हवेली, दमन दीव का प्रभार उन्होंने संभाला है। हालांकि 2017 में ही सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तबीयत उनकी खराब रहा करती थी। और दिनेश डांगी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दिनेश, एक बड़ी क्षति है ये कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस के एक सीनियर और कद्दावर लीडर थे गुरदास कामत, महाराष्ट्र के। राजस्थान से उनकी कई यादें जुड़ी रही है। मई 2013 के अंदर वो राजस्थान के प्रदेश प्रभारी महासचिव इंचार्ज AICC के बनकर आए थे और तकरीबन 4 साल उन्होंने राजस्थान में काम देखा, जो अब अविनाश पांडे देख रहे हैं उनकी जगह। पार्टी की मजबूती के लिए उन्होंने बेहद प्रयास किया और एक हार्ड वर्कर और एक अलग तरह की उनकी सियासत की वर्किंग स्टाइल थी। नए किसी को फेवर करते थे और हाईकमान और कांग्रेस पार्टी के हित में हमेशा बातें करते थे। कई ठीक, दिनेश आपको यहाँ रोकना चाहूंगी और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन जी, एक दुखद खबर, यहाँ कामत जी का निधन हुआ है। बहुत दुख हम सबको लगा, अचानक उनका निधन हुआ है। और गुरदास कामत जी लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे, कई बार सांसद, मंत्री, महासचिव रहे। उनके जाने से बहुत बड़ा एक सदमा लगा पार्टी को, मुंबई के लोगों को और देशवासियों को। और उनके जाने से लोगों को बहुत क्षति हुई है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत आहत हुआ है कि एक ऐसे दिग्गज जो कांग्रेस में बहुत सालों तक काम करते रहे, युवक कांग्रेस के प्रयास कर कई दशकों तक उनका व्यवहार उन्होंने संभाला, अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली, जाने से बहुत दुख हम सबको आया। बिल्कुल सचिन जी, कुछ बताना चाहें उनकी कार्यशैली को लेकर, क्योंकि राजस्थान से भी एक लंबा जुड़ाव उनका रहा है। कामत जी को जब प्रभार मिला था राजस्थान और गुजरात का, उस समय हम लोग चुनाव हारे थे और कठिन समय से उभरने के लिए जो सहयोग और ताकत और मेहनत की जरूरत थी वो उन्होंने दिया। उनका जो योगदान रहा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने में, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। चला था प्रभारी थे प्रदेश के और वो बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते थे, जिनकी शैली थी। और उन्होंने कभी भी अपनी बात बोलने में संकोच नहीं किया। इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि गुरदास कामत जी जो मन में रखते थे वो बोल दिया करते थे। उनकी जो छवि बनी थी वो पूरे कांग्रेस संगठन में और देश भर में उस बात की जानी जाती। बिल्कुल, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुरदास कामत का निधन हुआ है और दिनेश डांगी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने भी दुख जाहिर किया है। क्या मुंबई भी जाया जाएगा इस दौरान, जब उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, कौन कौन से कांग्रेस के नेता वहां पहुंचेंगे? बिल्कुल, गुरदास कामत जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और महाराष्ट्र में एक बड़ा कद्दा, वहां पर कई वो पदों पर रहे, सेंटर के अंदर केंद्रीय मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह के वक्त। और एक वाक्य मैं बताना चाहता हूँ, जब उन्हें बहुत छोटा मंत्रालय दे दिया गया था तो उन्होंने साफ कहा कि ये जो आप मुझे पद दे रहे हैं, जो मंत्रालय दे रहे हैं, वो मेरे अनुकूल नहीं है, यानी मेरे कद के तहत काफी छोटा पद है। तो बाद में उन्हें बड़े विभाग का मंत्री बनाया गया। तो ऐसे ही मई 2018 में अचानक उन्होंने कांग्रेस के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया और सक्रिय सियासत है उसको अलविदा कहने का एक खत जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लिखा, लेकिन किसी तरह का जवाब हाईकमान की तरफ से नहीं दिया गया। तो बाद में उन्होंने तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया गया और इस तरह उनकी एक सक्रिय सियासत से रवानगी हो गई। इसके बाद प्रभारी के तौर पर अविनाश पांडे को राजस्थान में लगाया गया, राजस्थान के साथ वो गुजरात के भी प्रदेश प्रभारी थे, गुजरात का भी परिवार उनके पास था और कई 4 साल तक लगातार मैंने भी उनको कवर किया जब वो पीसीसी में बैठ के लेने आते थे। तो एक बार उन्होंने लीडरशिप को भी लेकर बयान दिया था, काफी उस पर विवाद हुआ था और बाद में उन्होंने खंडन भी किया था। तो एक अलग उनकी तासी थी, कब वो सियासत को अलविदा कह दिया किसी को पता नहीं चला, कब पीछे नाराज हो गए। संजय निरुपम जो महाराष्ट्र के नेता है, अभी मुंबई पीसीसी चीफ है, उनसे उनकी काफी अनबन थी, कई दफा इसको लेकर उन्होंने हाईकमान से खुलकर नाराजगी भी की। संजय निरुपम जो है पार्टी के विपरीत काम कर रहे हैं और उनके जो बिल्कुल काफी बेबाकी से और एक कुशल नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस के कई नेताओं ने काम किया है और कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति। शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए।